दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। मतलब सोसाइटी में ये हम बहुत जगह देखते आए हैं कि जब कोई बंदा एक्सट्रीमली सक्सेस पाता है तो भाई उसको नीचे खींचने के लिए, उसको पीछे खींचने के लिए, उसे गिराने के लिए बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। और इस बार तो भाई डायनासोर का टक्कर सीधे सीधे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान से पड़ा है, जिसका ईगो थोड़ा बहुत तो हर्ट करेगा ही करेगा। भाई नंगा नाच चल रहा है, भाई सिर्फ फैन बेस पे लड़ाई नहीं चल रही है, पीछे भी पर्दे पर, जो पीछे पर्दे पर चल रही है भाई, उससे भयंकर लड़ाई वहां चल रही है। डे 7 पर सालार एंट्री मार चुकी है और जिसे जो कुछ कहना है भाई डायनासोर अपनी कमाई करके ले जा रहा है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब आज पूरी रिपोर्ट एक एक करके चेक करेंगे, कल पहले 6 दिन में कितनी कमाई इसने कर ली है, आज का दिन कैसा चल रहा है, और भाई साहब ये डंकी वर्सेस सालार का ये जो क्लैश चल रहा है कि ये कब खत्म होगा। भाई जब तक ये दोनों मूवी थिएटर हाउस से नीचे उतर नहीं जाती, बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाला है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस स्कैम की लड़ाई चल रही है, जो कल ट्विटर पर जबरदस्त देखने को मिली है। मतलब डायनासोर क्रस्ट डोंकी, यहाँ से जो सालार के फैन है, जो प्रभास के फैन है, वो ऐसे ट्विटर पर ट्रेंड कराए जा रहे हैं। एंड देन जो एसआरके के डाई हार्ट फैन है, वो हैशटैग आस्क एसआरके ट्रेंड कराए जा रहे हैं ताकि उस ट्रेंड को बीट डाउन कर दे। भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पंगा देखने को मिल रहा है। खैर बात करते हैं कल डे 6 में पहले क्या कमाई करी है, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले शुरुआत करने से एक चीज और बताऊंगा कि यार सालार के जो मेकर हैं, मतलब इन्होंने पहले 3 दिन का ऑफिशियली जो भी था इनकी तरफ से वो डेटा रिवील आउट कराया कि पहले 3 दिन में 402 करोड़ का इसने बिजनेस किया है, लेकिन भाई चौथे, पांचवें, छठे दिन की कोई भी रिपोर्ट इनकी तरफ से नहीं आई है, और इनकी तरफ से, सालार की तरफ से। बाकी उधर जो भी बॉक्स ऑफिस से रिलेटेड जो खबरें निकालते हैं भाई, वो बिल्कुल अपडेट हैं उसके बारे में, उसके हिसाब से हम भी वही चीज़ें आपको बताते हैं जो ऑथेंटिक है, बिल्कुल एक्यूरेसी को टच करता है। लेकिन भाई मेकर्स की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल होल्ड लग चुका है। अब ये जो स्कैम वाली बातें चल रही हैं, इसके पीछे भाई ऐसे उनका होल्ड कर लेना भाई, उनका कहीं ना कहीं पिटफॉल दिखाता है। आई डोंट नो कितने ये लोग सच हैं, कौन दूध का धुला है, कौन नहीं है। भाई आज के ज़माने में कोई भी दूध का धुला नहीं है। वही चीज़ की एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, भाई साहब दिस इज वॉर, एंड जो हद तक हो पा रहा है वो कर रहे हैं। शाहरुख खान की तरफ से, डंकी के मेकर्स की तरफ से जो भी हद तक हो पा रहा है कि भाई हिंदी के सोज सालार के पास ना ही जाएँ, और सालार के मेकर्स की तरफ से जितना हो पा रहा है कि भाई साहब हमारे पास और भी ज़्यादा सोज आए, बुरी तरीके से पंगा देखने को मिला है। खैर डे 6 की बात करते हैं। कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट 17 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक 22 करोड़, ओवरसीज से 13 करोड़ के आसपास, 12 से 13 करोड़ के आसपास नजर आ रहा है। भाई ओवरसीज से इस बार इतना अच्छा कलेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉलीवुड की मूवी DCU की भाई मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी एक्वामैन 2 यानी एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम भाई वर्ल्ड वाइड ओवरसीज पर फाड़ रही है। हालांकि वो भी सरवाइव कर रही है, उसको भी इतना प्यार नहीं मिल रहा जैसा कि उसके फर्स्ट पार्ट को मिला था। जैसा कि सुपर हीरो मूवीज को प्यार मिलता है मार्वल एंड DC की, वैसा प्यार नहीं मिल रहा है। भाई सरवाइव सब कर रहे हैं, तीनों मूवी सरवाइव कर रही है और तीनों ब्लॉकबस्टर हैं। पूरी दुनिया से 35 करोड़ का लैंड ऑफ द डे तक आते नजर आया है सालार के लिए। तो पहले 6 दिन में नेट इंडिया से का लैंड ऑफ द डे तक 298 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन है देखा जाए तो। भाई मिनिमम स्केल पर जो नेट इंडिया की है उस पर बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट चल रही है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ओवरसीज के लिए दिखाया जा रहे हैं वहां पर स्कैम बताए जा रहे हैं। ग्रॉस कलेक्शन 353 करोड़ आ चुका है, ओवरसीज से 190 करोड़। पूरी दुनिया से का लैंड ऑफ द डे तक 543 करोड़ के आसपास ये मूवी टच कर चुकी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में। लेकिन बिजनेस टुडे जो एक वेबसाइट है, उनका कहना है कि भाई साहब ये मूवी स्लाइटली टच कर रही है 550 करोड़ के। लेकिन वहीं इंडियन एक्सप्रेस वो लोग दिखा रहे हैं कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 429 करोड़ कर चुकी है। तो भाई साहब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल रिपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। भाई क्लैशेस और भी हुए हैं, लेकिन ये क्लैश अनोखा ही देखने को मिल रहा है। OMG 2, गदर 2 का क्लैश देखने को मिला, लियो और गणपत का क्लैश देखने को मिला, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं सिनेरियो देखने को मिल रहा था कि भाई साहब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। उधर भाई 100-100 करोड़ का फ़र्क देखने को मिल रहा है, कौन सच है कौन नहीं है। लेकिन भाई जहाँ तक है, जहाँ ऑथेंटिक रिपोर्ट की बात आती है, मैं आपके लिए बहुत रिसर्च करके ये वाला डेटा ला रहा हूँ जो बिल्कुल एक्यूरेसी को टच करता है, स्लाइटली टच करता है। बात करें आज डे 7 की, तो भाई आज डे 7 पे क्या हाल है। भाई हिंदी से अब जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। एडवांस बुकिंग में कल से पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, हिंदी की ऑडियंस अब सालार को अच्छा खासा फेवर देने लगी है। लेकिन डंकी की अब
वहां पर एडवांस बुकिंग अब धीरे धीरे डाउन होते जा रही है। मतलब हिंदी ऑडियंस अब अपना इंटरेस्ट सालार की तरफ दिखा रही है। तो भाई एडवांस बुकिंग आज की बताऊं तो टोटल है 5,80,00,000, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 3,13,00,000 का एडवांस बुकिंग हुआ है भाई, सबसे ज्यादा। उसके बाद तेलुगु सेकेंड नंबर पर, जो ऑरिजिनल लैंग्वेज है इसकी, 1,80,00,000 का कलेक्शन हुआ है। रेस्ट ऑफ द तमिल, कन्नड़ा, मलयालम से हुआ है। नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक, भाई मुद्दे की बात पर आते हैं कि चलो ठीक है, इतना एडवांस बुकिंग यहाँ से हो गया, इतना ये स्कैम, बॉक्स ऑफिस फेक कलेक्शन, दुनिया भर का क्लैश चल रहा है ना, उसके फैंस इसको गाली दे रहे हैं, शाहरुख खान के फैंस प्रभास को गाली दे रहे हैं, तो फैंस में भाई नंगा नाच चल रहा है। भाई पहले 7 दिन में नेट इंडिया से आज ये मूवी कितना कंप्रप कर लेगी भाई, 313,88,00,000। उससे पहले आज का बताऊंगा कि अर्ली एस्टिमेट एंड ऑफ द डे तक आज कितना आ रहा है। नेट इंडिया से 15,00,00,000 के आसपास ये मूवी कमाई करते नजर आ रही है, जिसमें से मेजर कलेक्शन हिंदी से आ रहा है। उसके बाद ग्रॉस कलेक्शन 19,00,00,000 के आसपास ये मूवी कवरअप करते नजर आ रही है। भाई साहब ये भी तबाही देखने को मिली है, मतलब वर्किंग डेज में जहां एक तरफ डंकी भी चल रही है, एक तरफ कहीं ना कहीं एक्वामैन 2 भी सोच खा रही है, बावजूद उसके भाई सालार अपने हक का जो ब्लॉकबस्टर मूवी का प्रॉमिस करा जा रहा था, जो प्रशांत नील कह रहे थे कि भाई हम ये साल सालार का है, ऐसे वाले टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं सालार के मेकर्स, तो यस वो होते नजर आ रहा है। तो ग्रॉस कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक 372,00,000 हो जाएगा। तो भाई सब तबाही देखने को मिल रही है, मतलब ये मूवी क्या 500,00,000 नेट इंडिया से टच कर जाएगी, नहीं कर जाएगी, जैसे एनिमल ने भी करा है, जैसे गदर 2 ने करा है, जैसे पठान जवान भी करके गई हैं, आप लोगों का क्या कहना है, क्या 500,00,000 नेट इंडिया से ठोंक जाएगी सालार या नहीं ठोंक जाएगी, और ये जो फेक कलेक्शन की बात चल रही कितनी सच है कितनी नहीं है, आप लोगों के क्या हिसाब है, आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताया। कहना मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहिए।